नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर एक ऐसा शहर है जो सुर्खियों में हमेशा बना रहता है, चाहे वो राजनीति की वजह से हो या फिर खेलकूद की वजह से। मगर कहीं ना कहीं मुंब्रा के नौजवान नशे की लत में हैं, तो वहीं इसके विपरीत मुंब्रा के नौजवान खेलकूद में आसमान की बुलंदियाँ छू रहे हैं। एमएम वोली में स्थित अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में 1 दिसंबर से फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में मुंब्रा से 2 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें मुंब्रा फुटबॉल क्लब और दूसरी टीम मुंब्रा यूनाइटेड है। ये मुंब्रा शहर के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि इस फुटबॉल टूर्नामेंट में मुंब्रा की 2 टीमें खेल रही हैं। इसके अलावा ठाणे की 11 टीमें हैं और 3 टीमें भिवंडी की हैं। 1 दिसंबर से होने वाले इस फुटबॉल टूर्नामेंट में टोटल 16 टीमें शामिल हैं, जिसमें ग्रुप ए में 8 और ग्रुप बी में 8 टीम हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन और ठाणे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन कर रही है, जिसके डायरेक्टर सिमोन पत्राव। वहीं इस फुटबॉल टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर संतन डिसूजा और मैच रेफरी ऑर्गेनाइजर सेवी डिकोस्टा हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला मैच 1 दिसंबर शाम 7 बजे मुंब्रा फैन क्लब और स्पोर्टिंग क्लब दी ठाणे के बीच में होगी। जिस तरह से मुंब्रा के नौजवान खेलकूद की दुनिया में कदम जमा रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में मुंब्रा शहर एक कामयाब शहर बनेगा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।